हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जो हम लोग ने शेयर बाय किया था उसको अब अपने स्टॉक पर सेल कैसे करना है। सेल करने के साथ में ये भी बताऊंगा कि उसके अंदर जो टी पिन होता है उसको जनरेट कैसे किया जाता है। ये बिगिनर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर इस वीडियो को नहीं देखेंगे, नहीं समझेंगे तो आप लोगों का टी पिन जनरेट नहीं हो पाएगा। यानी कि टी पिन पहली बार जनरेट करना पड़ेगा और सेल करने के लिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार जनरेट करना है और उस टी पिन को आप लोगों को हमेशा लाइफ लॉन्ग हमेशा आप लोगों को सेव करके रखना है, ताकि जब भी आप लोग शेयर खरीदें और जब बेचने का टाइम आए तो आप लोगों को उस टी पिन की जरूरत पड़ेगी, जब जब आप लोग शेयर को सेल करेंगे जो आप लोगों ने खरीदा है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और अच्छे से समझिए कि जो शेयर बाय किए हैं उसको सेल करने के लिए जो टी पिन है वो कैसे जनरेट करना है, कैसे सेल किया जाता है। आज के दिन इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। कुछ सवाल है, कुछ पूछना है तो आप लोग नीचे कमेंट करना, मैं आप लोगों को रिप्लाई और हेल्प जरूर करूंगा। तो दोस्तों इस वीडियो को चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि आप स्टॉक में शेयर को सेल कैसे करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप लोगों को अपस्टॉक एप्लीकेशन में लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर जो हम लोगों ने कल शेयर बाय किया था आइडिया को यहाँ पे दिखाई देगा, और अभी जो मार्केट प्राइस चल रहा है वो यहाँ पे दिखाई देगा। हम लोगों ने कल डिलीवरी ऑप्शन को सिलेक्ट करके ख़रीदा था, और जिन लोगों ने इंट्राडे सिलेक्ट करके ख़रीदा है उन लोगों को यहाँ पर ऑर्डर में जाना है। ऑर्डर में जाएंगे तो आप लोगों को यहाँ पे दिख जाएगा जिन लोगों ने इंट्राडे में खरीदा है, लेकिन हम लोगों ने डिलीवरी ऑप्शन सेलेक्ट किया है तो वो अब होल्डिंग में चला जा चुका है। तो पोर्टफोलियो में जाएंगे, यहाँ पर होल्डिंग पर क्लिक करेंगे, और होल्डिंग पे क्लिक करने के बाद आप लोगों का जो शेयर है वो दिखाई देगा। कितना शेयर हम लोगों ने ख़रीदा था, तो हम लोगों ने एक शेयर ख़रीदा था, और ये कितने का रेट अभी चल रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या है, वो सब अब आप लोगों को यहाँ पे मालूम पड़ेगा। तो जैसे कि देख रहे हैं तो 5 पैसा 10 पैसा प्रॉफिट में चल रहा है मेरा। मैंने कल 10:35 में ख़रीदा था, अभी 10:45 हो रहा है, तो 5-10 पॉइंट का मुझे प्रॉफिट हो रहा है। अब इसको शेयर कैसे यानी कि सेल कैसे करना है, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो सेल करने के लिए आप लोगों को यहीं पर कहीं पर भी क्लिक कर दीजिए। अब जो लोग पहली बार जो बिगिनर्स हैं उन लोगों के लिए बहुत ही ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पर कोई भी अगर थोड़ा सा भी स्किप कर देता है तो उसको बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाएगी और समझ में नहीं आएगा क्या करना है। यहाँ पर सेल के बटन पर क्लिक करना है जो लोग सेल करना चाहते हैं। जो लोग और शेयर बाय करना चाहते हैं आइडिया का, बाय पे क्लिक करके और शेयर खरीद सकते हैं। तो हम लोगों ने कल के दिन 21 शेयर बाय किया था, अब हम लोग सेल के बटन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं तो NSE और BSE, तो हम लोग BSE सिलेक्ट करते हैं, और यहाँ पर आप लोगों को एक ऑप्शन देखने को मिलता है। यहाँ पर सबसे ऊपर देखेंगे तो आप लोगों का BSE ग्रुप ए, और यहाँ पे जो करंट प्राइस चल रहा है वो यहाँ पे दिखाई देगा। और उसके बाद यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले तो इसको हम लोगों को ऑफ़ करना है, क्योंकि हम लोगों ने कल के दिन भी इस चीज़ को ऑफ ही रखा था, तो आप लोगों को इसको भी ऑफ ही रखना है। अब यहाँ पे देख रहे हैं तो हम लोगों ने प्रोडक्ट डिलीवरी सेलेक्ट किया है, कितना क्वांटिटी यानी कि एक शेयर है तो एक शेयर सब बेचना। अगर आप लोगों ने 2-3 खरीदा था तो 2-3 यहाँ पर लिखना होगा कि कितना शेयर आप लोगों ने खरीदा था, तो टोटल 2-3 लिख दीजिए, यानी कि जितना भी बेचना चाहते हैं उतना। 3 खरीदे हैं तो 1 बेचना चाहते हैं तो 1 लिखिए, 3 बेचना चाहते हैं तो 3 लिखिए, आपके ऊपर है। यहाँ पर मार्केट ही सिलेक्ट रहने देना है, क्योंकि हम लोगों ने कल मार्केट ही ऑप्शन सिलेक्ट करके रखा था खरीदते टाइम पर। अब हम लोग बेच रहे हैं तभी भी मार्केट ही रहेगा, सब कुछ वैसा ही रहेगा। अब यहाँ पर आप लोगों को प्राइस देखने को मिलेगा टोटल जो अभी चल रहा है करंट में, और यहाँ पर रिव्यू ऑर्डर के बटन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारा ऑप्शन आएगा जो लोग पहली बार सेल करेंगे, तो वो लोग ध्यान से देखना, अच्छे से समझना। तो यहाँ पर रिव्यू ऑर्डर के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आप लोगों के सामने एक पेज लोड होगा। अभी यहाँ पे लोड होने में थोड़ा टाइम भी लग सकता है, तो आप लोगों को घबराना नहीं है। अब जो लोग पहली बार खरीदेंगे उन लोगों को यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, ये नया वाला आई हैव अ पिन, और यहाँ पे दूसरा ऑप्शन देखने को मिलेगा आई डोंट हैव अ पिन। तो जो लोग पहली बार बेच रहे हैं सेल यानी कि खरीदने के बाद जो लोग बेच रहे हैं, तो जो लोग पहली बार बेच रहे हैं उन लोगों को ये वाला ऑप्शन को कॉपी करना होगा, यानी कि इसके अंदर जो कोड है इसको कॉपी कीजिए। तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये वाला जो बटन दिख रहा है आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ, ये वाले डबल कॉपी के जैसा बटन है, इस पर क्लिक करके इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लेने के बाद आप लोगों को यहाँ पर देखेंगे तो जनरेट अ पिन ऑन CDSL लिखा हुआ है यहाँ पर, इस पर क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पर जो आप लोगों का रजिस्टर मोबाइल नंबर है और या जो ईमेल आईडी है उस पर SMS आएगा, तो इस पर क्लिक कर देते हैं। तो देखिए हमारे मोबाइल पर अब एक SMS और आएगा, अभी देखिए अभी ये जनरेट टी पिन कर रहा है, तो टी पिन अभी हम लोगों को हमारे मोबाइल पर अब आएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो अभी कोड को हम लोगों ने कॉपी किया था उस कोड को हम लोगों को यहाँ पे एंटर करना होगा। तो मैं कोड को यहाँ पे एंटर कर देता हूँ, तो कोड को मैंने एंटर कर दिया, और एंटर पैन का जो नंबर है यानी कि हमारा जो पैन कार्ड नंबर है उसको यहाँ पर लिखना है।
तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने बीओ डिटेल्स के अंदर बीओ आईडी जो हम लोगों ने कॉपी किया था उसको लिख दिया, पैन कार्ड नंबर लिख दिया, हम लोगों ने अपना नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे और हमारा जो मोबाइल नंबर है, जो ईमेल आईडी है, उन दोनों पर एक ओटीपी आएगा। तो दोनों में से कोई भी एक ओटीपी हम लोगों को यहाँ पर लिखना है। तो ओटीपी अब आ चुका है, मैं ओटीपी यहाँ पर लिखता हूँ। तो देखिए अभी ओटीपी यहाँ पर देखिए 6014231423, इस तरह से आप लोगों को भी इसी तरह का ओटीपी आएगा, आप लोगों को लिखना है और फिर इस नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही नेक्स्ट के बटन पे आप लोग क्लिक करेंगे, आप लोगों के सामने कुछ इस तरह से अब ये पेज लोड होने लग जाएगा। लोड होने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को कुछ इस तरह से बोल रहा है, और बोल रहा है कि हम लोगों ने आपको एक रजिस्टर मोबाइल नंबर पर और रजिस्टर जो आप लोगों का ये जो आप लोगों का जैसे कि आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है, इन दोनों पर आप लोगों को एक टी पिन भेज दिया गया है, उसका यूज़ अब आप लोगों को हमेशा करना है। तो अब यहाँ पे हम लोगों को कुछ करना नहीं है, यहाँ पर एक ऑप्शन और देखने को मिल रहा है, प्लीज़ क्लिक हियर टू बैक गो बैक टू लॉग इन पेज, और यहाँ पर हियर पर क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर आप लोग इस पेज पर आ जाएंगे फिर से, तो आप लोगों को बैक बैक करना है एक बार, यहाँ पर फिर से और एक बार बैक करेंगे, फिर से अब आप लोग इस पेज पर आ जाएंगे रिव्यू ऑर्डर पर। तो अब मैं आप लोगों को पहले ईमेल दिखा देता हूँ। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों को टी पिन मिला हुआ है, जो कि मुझे यहाँ पे दिख रहा है, आप लोगों को नहीं दिख रहा है उसके लिए सॉरी, लेकिन आप लोगों को भी इसी तरह का एक मेल आएगा, उसमें आप लोगों का टी पिन लिखा हुआ दिखाई देगा। अब इस टी पिन को हमेशा याद रखना है, इसको कहीं पर लिख करके रख देना है, ताकि जब भी आप लोग बेचना चाहते हैं तो आप लोगों को बार बार ये टी पिन डालना होगा। तो ये नंबर को मैं कॉपी कर लेता हूँ सबसे पहले। तो दोस्तों हम लोगों ने टी पिन कॉपी कर लिया है, फिर से आप लोगों को ये रिव्यू ऑर्डर के बटन पे क्लिक करना है, और ये जो ऑप्शन जितने भी थे जैसा पहले आप लोगों ने खरीदते टाइम पे किया था वही सब ऑप्शन सेम वैसे ही कर दीजिए, फिर रिव्यू ऑर्डर के बटन पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे आप लोगों को ये सामने फिर से वही सब ऑप्शन आएगा, लेकिन अब आप लोगों को तरीका चेंज करना है। अब तरीका क्या चेंज करना है, अगर आप लोगों के पास अभी भी फिर से नया पिन जनरेट करना है तो फिर से ये ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। अब हम लोगों को मिल चुका है तो आई हैव अ पिन इस बटन पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग क्लिक करते हैं कंटिन्यू पे, और फिर यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा ये जो ग्रीन कलर का कंटिन्यू लिखा था, कंटिन्यू टू CDSL, इस पर क्लिक कर देना है। तो आप लोगों को जो पिन कोड है टी पिन, इसको आप लोगों को यहाँ पे पेस्ट करना है, पेस्ट करना है यानी कि आप लोगों को लिख देना है। अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, फिर आपको आगे बताता हूँ। तो दोस्तों मैंने जो पिन कोड है वो यानी कि टी पिन, उसको मैंने लिख दिया है, वेरीफाई के बटन पे क्लिक करेंगे। अब हमारा जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है और जो रजिस्टर ईमेल आईडी है, उस पर एक हम लोगों को ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को लिखना है। तो ओटीपी आ गया है, ओटीपी मैं लिख देता हूँ, तो 8328102810, और यहाँ पे वेरीफाई के बटन पे क्लिक कर देना है। वेरीफाई के बटन पे हम लोग जैसा ही क्लिक करेंगे, अभी देख रहेंगे तो ये पेज लोड हो चुका है, ट्रांजेक्शन अप्रूव हो चुका है, और यहाँ पे देख रहेंगे तो यू कैन सेफली क्लोज दिस पेज टू गो बैक टू अपस्टॉक प्रो। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सीधा बैक के बटन पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे देख रहेंगे तो अभी इस तरह के एक ऑप्शन आ गया है, और यहाँ पे आप लोगों को अब सेल के बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप लोगों को रिव्यू के बटन पे क्लिक करेंगे। अब हमेशा आप लोग जैसे सेल के बटन पे क्लिक करेंगे, सीधा आप लोगों को ये वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, और सीधा सेल के बटन पे क्लिक करके सेल करना है। तो सेल के बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे, तो दोस्तों यहाँ पर अब आप लोग ध्यान से देखेंगे ऑर्डर्स के अंदर, तो देख रहेंगे तो हम लोगों ने जो अभी खरीदा था वो अब सेल हो चुका है, सेल का एक छोटा सा रेड कलर का लिखा हुआ भी है। अब यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ और मैं बता दूँ कि ये जो पैसा है ये आज बेचे हैं तो आज ही पैसा नहीं मिलेगा, नेक्स्ट डे पैसा आप लोगों को यहाँ पर दिखाई देगा, ये फंड के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं तो वो पैसा अभी भी हम लोगों को मिला नहीं है, क्योंकि वो पैसा मिलने में एक दिन का टाइम लगता है। तो मैं आप लोगों को कल के वीडियो में बताऊँगा कि जब पैसे हम लोगों को मिल जाएगा, अभी देख रहे हैं तो पैसा जो है इसके अंदर 99.61 रुपये है, जब पैसा मिल जाएगा तो यहाँ पे 110 रुपये के आसपास हो जाएगा टोटल। तो हम लोग उसको कल विड्रॉ करके देखेंगे कि बैंक में कैसे लिया जाता है। दोस्तों अगर आपने इस वीडियो को पूरा एंड तक देखा, अच्छे से समझाए, तो आप लोगों का जो शेयर होगा वो सेल हो चुका होगा, जिस भी कंपनी का आप लोगों ने शेयर खरीदा था। और आप लोगों को ये भी मालूम पड़ गया होगा कि अब आप लोगों का टी पिन क्या है। अगर जिन लोगों को टी पिन के बारे में नहीं पता है तो वो लोग इस वीडियो को थोड़ा सा फिर से रिवर्स करें, पीछे जाए, फिर से टी पिन के यहाँ से देखना स्टार्ट करें और जनरेट करें खुद का टी पिन। और जिन लोगों ने अब तक अपस्टॉक पर अकाउंट नहीं खोला है शेयर सेल करने के लिए, खरीदने के लिए, बेचने के लिए, तो उन लोगों के लिए मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है उस वीडियो को, जिसको देख करके आप लोग अपस्टॉक पर अकाउंट खोल सकते हैं। 200 से 250 रुपये तक का चार्जेस लगेगा। जब मैंने अकाउंट खोला था तो उस टाइम पे फ्री चल रहा था, लेकिन अब 200 से 250 रुपये चार्ज लिया जाएगा, लेकिन ये लाइफ टाइम फ्री के साथ में, यानी कि एक बार ये वन टाइम पेमेंट करना होता है, और इसके साथ में बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं, सुविधाएं मिलती हैं, इसके लिए ये 200 से 250 रुपये चार्जेस लेता है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि दूसरे जो कंपनीज हैं वो लोग फ्री में खोलते हैं, लेकिन
इससे बढ़िया फीचर्स और जो सपोर्ट है वो नहीं देते हैं वो लोग। तो इस चीज़ का आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा, इसलिए मैं खुद अपस्टॉक को यूज़ करता हूँ और आप लोगों के लिए भी बोलता हूँ कि आप लोग भी अपस्टॉक यूज़ कीजिए। तो दोस्तों आप लोगों को हमारा ये आज का वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। इस वीडियो में इतना ही, मिलते एक नई वीडियो में नए सोच के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना।